बोल बोल मैं सीता बोल मैं सीता यार आंटी बोल मैं आ रहा आप जीते यार मैं ऑलरेडी आ रहा हूँ भाई प्लीज छोड़ दो आई वन के बच्चे तुम लोग यहाँ खेल रहे हो और पापा जी तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं सगाई में जाना कि नहीं ये सगाई नहीं होने वाली सगाई नहीं हो रही क्योंकि भाई के होने वाली को फीवर आने वाला है सबके कपड़े उतरने वाले सगाई वगाई नहीं होने वाली तेरे भी अच्छा चुपचाप तैयार हो नीचे चलो एक काम करो जब तन्वी खुद आके नीचे बोलेगी ना कि उसको सगाई नहीं करनी है तब तुम दोनों बेशक ऊपर आ जाना और पूरे दिन बगैर कपड़ों के रहना आई डोंट केयर बट फिलहाल तैयार हो क्योंकि अगर तुम दोनों कपड़े पहन के नीचे नहीं आए तो सबको शक हो जाएगा कि तुम दोनों ने कुछ गड़बड़ की है ओके गेट रेडी एक बात बता जब 10 मिनट वापस कपड़े बदलने हैं तो अभी क्यों बदले ऋषि लोग प्यार में दुनिया बदल लेते हैं यार तू कपड़े नहीं बदल सकता उतार जल्दी उतार चुपचाप 2 मिनट में तैयार हो और नीचे चलो ओके ओके बॉस ओके ओहो सारा काम अकेले ही करना पड़ता है सुन बेटा वो पवन की सगाई की अंगूठी भूल गई मैं वो मेरी अलमारी में रखी होगी जाकर वो छोटी तिजोरी ना उसके अंदर रखी जाकर जल्दी से लेकर आ ओ राणो ये ना कुछ कर ये स्क्रॉल जो है ना ये मुझसे संभल ही नहीं रहा है आपसे अकेले कुछ संभलता भी है ये भी नहीं लगाया जाए इधर ऋषि को देखते ही चली चमक छल्लो जितना भी डोरी डाल ले पर मेरा ऋषि तो तन्वी का हो चुका तुम क्यों जा रहे हो घर पे कोई तो नहीं रखने वाला क्यों जल गई ओ हाँ जलन तो होगी ना आज पार्टी में जो सबसे खूबसूरत लगने वाली हूँ मैं जलन नहीं टेंशन हो रही है मेरे भाई का भी कोई स्टैंडर्ड है क्या नहीं अब आप जैसी लड़की भाई के साथ में घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे कि कोई और नहीं मिली अब फनी मतलब तुम्हारा भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है और तुम्हें मजे आ रहे हैं अरे भाभी जान आप तो बुरा मान गई मैं मजाक थोड़ी उड़ा रहा हूँ मैं तो देवर हूँ आपका इतना हक तो बनता है ना मेरा है ना भाभी जान इतने क्यूट है ना मेरे देवर आपको पता है ऋषि तनु को पसंद नहीं करता आज के दिन तो शुभ शुभ बोल शुभ शुभ बोलू ये जो आपका ऋषि है ना उसका तन्वी के साथ ना कुछ चल रहा है मुझे पता है क्या चल रहा है क्या चल रहा है तेरा ना ये जो दिमाग है ना कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है तो आप मेरे लिए एक काम करोगे दसो आज के बाद जब ऋषि और तन्वी एक साथ अकेले हो ना और बातें करते सुनोगे ना तो वो आकर के मुझे बता आज के बाद मैं अगर तेरे साथ भी अकेला हूँ ना तो तुझे बता दूंगा कि हम दोनों अकेले ये जोक था यू नो ना आई डोंट लाइक जोक्स ओके कर दूंगा बता दूंगा एक मिनट सुखी हेलो यस ये तीस पीजी नहीं ये पीजी तो ना ये तन्वी की वकील है ये मुझे क्यों बताएंगी फिर कौन हो सकता है फिर ये चलो प्लीज अरे वाह लव इट बानी सगुन का सारा सामान गाड़ी में रख दिया है अब जल्दी करो भाई तन्वी को जल्दी बुलाओ निकलना है भाई बस बस चल रहे हैं सब लोग निकलने वाले अब तक कोई न्यूज़ नहीं भाई अरे शोर ना आपका प्याज वाला फॉर्मूला काम करेगा भाई ऐसा ना हो कि तन्वी को प्याज मिल गई हो और उसको उसने काट के पकौड़े बना दिए हो मेरा प्यार है कोई कांदा भजिया नहीं स्टूपिड सॉरी ना सॉरी सॉरी एक मिनट भाई साहब का फोन है हाँ जी हाँ जी हाँ बस हम लोग निकल ही रहे हैं तो सिर्फ फिक्र मत करो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे हाँ जी चलिए दोनों गाड़ियां आ गई सब तैयार है वहां पर चलिए चलिए बैठना शुरू कीजिए बेटा जाकर तन्वी को लेकर आना चलो जल्दी आज दी की सगाई नहीं हो सकती लेकिन क्यों क्या हुआ क्योंकि दी को बहुत बुखार है और सगाई पर तो जानक दूर की बात है वो ढंग से चल भी नहीं पा रही है आज की सगाई कैंसिल करनी पड़ी देखिए नैन वक्त पर ऐसे कैसे सगाई कैंसिल हो सकती है बेटा तेज बुखार तन्वी तन्वी तुम कितनी हॉट हो क्या
मतलब बहुत तेज बुखार है, तुम्हें आराम की जरूरत है, चलो बैठो। एक मिनट ऋषि, हटो। मॉम हटो, मैं देखती हूँ ना। ऋषि अरे हाँ, इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। आओ आओ बैठो इधर, आओ बैठो बेटा, ऐसे बैठो बैठो, तुम्हें आराम की जरूरत है, आ जाओ। तक 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 हटा, बैठ। ओए कुलजीत, अच्छा। हाँ वीर जी, दसो। एक काम कर, आज सगाई कैंसिल कर दे। क्या? अरे यार, सगाई जिस बंगले में हो रही हो, मेरे दोस्त का ही है ना, ज्ञानेश की सगाई हुई थी, तो हम सगाई 5-7 दिन के बाद कर सकते हैं। आनी, मेरा फोन देना। बोलोगे क्या? आज नहीं आ सकते, सगाई कैंसिल करनी होगी। फोन काट, काटो फोन। वीर जी, वो क्या है कि शाम को सगाई करना जरूरी है, क्योंकि पंडित जी ने मुहूर्त निकाला है। उन्होंने कहा ये मुहूर्त बड़ा ही शुभ है, अगर लड़का लड़की की इसी शुभ मुहूर्त में सगाई हो गई तो ये दोनों हमेशा सुखी रहेंगे। और लड़के वाले भी वेन्यू पहुंच रहे होंगे ना, वहां से लड़के वालों को वापस करना ये भी बड़ी अशुभ बात है। और अगर लड़के वालों को शक हो गया ऐसा वैसा, तो हम कहां तक जवाब देते फिरेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी वीर जी। पर जाई, इस बिचारी की तरफ देखो, कितनी बीमार है, चल फिर भी नहीं सकती, और आप सगाई की बात कर रही हैं। नहीं पर जाई, आज सगाई नहीं हो सकती। ऋषि, तू हार मत मान, चुप हो, ठीक है, हम कुछ करेंगे, ओके? अरे अब क्या करेंगे यार, तन्नी सगाई के लिए हाँ कह दी है, लगता है उसका बुखार उसके दिमाग में चल चुका है। देखना जब बुखार उतरेगा ना, सबसे बोलेगी ऋषि मेरी हेल्प कर दो, और फिर मैं कोई नया प्लान सोचूं। हाँ, ये क्या है? क्या तुम्हें नहीं पता ये क्या है? इतनी मोटी, इतनी बड़ी हो गई हो, नहीं पता? और एक काइंड इंफॉर्मेशन, इसको प्यास कहते हैं, प्यास समझी मेरी गोलू मोलू। चलो भाई। हाँ चल चल। अरे रुक सुकड़े, मुझे पागल समझा है? हाँ तुम्हें पता है मुझे ये प्याज हमारे कमरे में दी के बेड पर से मिला। क्या बात कर रही हो? जी हाँ, और आज तुम दोनों ही हमारे कमरे में से निकल रहे थे ना, हाँ, तो तुम वहाँ ये प्याज रखने गए थे। अब मुझे समझ आया कि दी को अचानक बुखार कैसे आ गया। तुमने ये एक प्याज रखा है, मैंने ऐसे हजारों प्याज ला ला के तुम दोनों को प्याज के आंसू रुलाऊंगी। अगर मेरी दी को आंख उठा के भी देखा ना, तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी मैं। आज मेरी दी ने खुद कहा कि वो पवन के साथ सगाई करना चाहती। अगर तुम दोनों ने ये सगाई तोड़ने की कोशिश की ना, तो तुम दोनों का मुंह तोड़ दूंगी मैं। हेलो, क्या इन्फॉर्मेशन? वो पवन अच्छा लड़का नहीं है, ही इज अ बैड मैन। अच्छा, तुम और तुम्हारा ये सुकड़ा भाई, तुम दोनों किस एंगल से गुड बॉयज हो? हाँ, जब देखो लड़कियों को ताड़ते रहते हो, 50 साल की आंटियों को भी नहीं छोड़ते। आज दोपहर की बात ले लो, उस लड़की को इस तरह से घूर रहे थे जैसे उसे खा जाओगे। व्हाट अ फिगर, लफड़दार कहीं का तेरे तुम। इस मंत्री को तो समझ आता, लेकिन तू भी यार। मैं वही देख रहा था जो मंत्री देख रहा था। तुम जैसे लड़कों को ना मेरे पैर की जुत्ती भी ना देखे। ऐसी वैसी कोई बात नहीं, चुप कर लफंटर। ए लफंटर मत बोलना, नहीं तो क्या कर लेगा? साली। क्या? साहिबा, मैं तेरा होने वाला जीजा हूँ। जीजा? बड़ा है, जीजा बनने वाला, तुझे तो मैं पिज्जा बना के खा जाऊँ। भाई ये सब कुछ खा जाती है, इसीलिए इतनी मोटी है। ए चुप, बड़ा है, जीजा बनने वाला, चल जा। ए रुक, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी बहन शादी करूंगा, तुम्हारे मुंह से जीजा जी बुलवाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं कभी किसी जीजा नहीं बनूंगा। बनने लायक भी नहीं हो तुम। मैं फिर अपने आप को लफंडर बोलूंगा। साली साहिबा। पागल। ए, मेरे भाई को पागल मत बोल मोटी। तू रुक, तू तो चुप ही कर सुकड़े, ऐसे मारूंगी ना उड़ के हवा में जाएगा वहाँ। क्या है? छोटा भाई है, क्यों डांट रही है? मुझे ना तुम सबसे समझदार लगते हो, इन दोनों लफंडरों से दूर रहा करो, ये तो एक दिन तुम भी लफंडर बन जाओगे। साली। क्या बोला? साली साहिबा। तू रुक रुक लफंडर रुक, मैं अगली बार मारूंगी तेरे को। बड़ा यार जीजा बनने वाला, लफंटर कहीं का।
सत्याकाल जी, सत्याकाल। क्या बात है भाई साहब, तन्वी पुत्र नजर नहीं आ रही। वो क्या है भाई साहब की तन्वी बिटिया की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है अचानक। ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेगी फिर उसको ले आएंगे। देखा भाई साहब आपने, मेरे पुत्र का तो चेहरा ही उतर गया। आओ जी, आओ, आओ जी, आओ, चलो बेटा। ये कैसे बदतमीजी दिखा रहा है? फोन कर रहा है, जाके अभी तोड़ उसे। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? फोन मुझे। नहीं नहीं, फोन मुझे। नहीं भाई, नहीं नहीं, फोन मुझे। चुप, छोड़ दिया। नमस्ते जी। ये सब इसी कार्टून का किया धरा है, इसे तो मैं आज। और कैसे हैं आप? क्या चल रहा है? सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर होगी। वैसे बात क्या कर रहे थे आप लोग? मैं बताऊं क्या बात कर रहे थे? बताओगे तो सुन ही लूंगा ना। मैं पवन को मारने वाला हूं। आप और पवन भाई को छोड़ो ना ऋषि भाई। सॉरी ऋषि भाई। ए भाई, हम लोगों के शक्ल देखिए अपने। रोज सुबह उठते ही देखता हूँ, इवन कान के पीछे काला टीका लगा के ही बाहर जाता हूँ। वो क्या है ना, नजर न लग जाए इसीलिए। लड़कियाँ कहती है मुझे कि मैं बहुत हॉट हूँ। मैं इतना हॉट हो रहा हूँ कि एक पंच मारूंगा तो गायब हो जाएगा। कुछ बोले आप? नहीं। चल। और I'm very sorry. चल चल। इसने मुझे जानबूझ के टक्कर मारी, मुझे इसकी नजर कुछ ठीक नहीं लगती। अगर उस शमशेर को मैं थोड़ा और टाइट पकड़ती ना, तो उसकी सारी हड्डियां पिचक के टूट गई होती। आदमी के नाम पे धब्बा है धब्बा। ये क्या हुआ? ऋषि को ढूंढ रही है? नहीं, कोई और तो बता, उसे भी ढूंढ लूं। वो देख, वो रहा तेरा टिकट टू हॉलीवुड। पता है, देख लिया। चल चलते हैं उसके पर। जाई जी, आप एक बार तन्वी को फोन करके तो देख लीजिए, कहीं तब भी ज्यादा तो नहीं खराब हो गई। अरे वो रही। लीजिए आ गई। आना, तुम जाकर आरती का थाल लेके आओ, मैं पवन के घर वालों से मिलके आती हूँ। कैसे सगाई कर लेने दूं तुम्हें पवन के साथ? मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं। तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम्हारे बारे में, तुम बीमार थे, मैं बहुत डर गया था।